गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कक्षा आठवीं इकाई सात जिसका शीर्षक है हार की जीत, उनका साहित्य प्रकार है कहानी, जिनके कवि है कहानीकार है सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 पंजाब के छियालकोट में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है, उनका उपनाम सुदर्शन भी है। इस कहानी में नायक है संत बाबा भारती और इस कहानी के खलनायक है कुख्यात डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती के पास एक अद्भुत एक घोड़ा है, एक घोड़े का नाम है सुल्तान। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था, उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठवीं दर्जे में थे आपने प्रथम कहानी लिखी थी, सुदर्शन जी छठी कक्षा में पढ़ते थे तब उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद जी की तरह आपने यानी कि सुदर्शन जी ने उर्दू में लिखने का प्रारंभ किया। जब हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी जब उन्होंने साहित्य में लिखना शुरू किया तो उर्दू भाषा का उपयोग किया था, इसी प्रकार सुदर्शन जी ने भी अपनी प्रथम कहानी लिखने की जो भाषा थी वो उर्दू में भी लिखते थे। तत्पश्चात उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, नाटक कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। यह सुदर्शन जी, इस कहानी में क्या है तो प्रस्तुत कहानी सुदर्शन की द्वारा लिखित एक पौराणिक कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटने पर मजबूर कर देती है। इसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन किया। इसी बात पर यह प्रकाश डाला गया है, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाइयां जरूर होती है। इसी आदर्शवादी कहानी से यह बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता बल्कि वही अपनी भूल का भी सुधार भी करता है। इसी तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू जीत कर भी हार जाता है। इधर इस कहानी में साधु यानी कि बाबा भारती हार जाते हैं, फिर भी वो जीते यानी हार कर भी वो जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत प्यार करते हैं, अनोखे घोड़े की चर्चा होती है। इस इलाके का कुख्यात डाकू खड़क सिंह इस घोड़े की बात सुनता है और एक दिन खड़क सिंह बाबा भारती के आश्रम शाला में पहुंच जाता है और वही जाकर बैठ जाता है। घोड़ा देखता है, बाबा भारती
सिंह का हाल पूछते हैं। खड़क सिंह बताता है कि घोड़े की चाल मुझे खींच लाई है। बाबा भारती अपने घोड़े को खड़क सिंह को बताते हैं। खड़क सिंह मन ही मन विचार कर लेता है कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, नसीब की बात है। इस प्रकार घोड़े को देखकर खड़क सिंह के मन में लुट्टू हो जाता है और कहता है कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। संत थे बाबा जी खड़क सिंह से डरने लगे, रात को पहरेदारी करने लगे। कई दिन बीत जाने पर खड़क सिंह का डर धीरे धीरे दिमाग में से निकलता गया। एक दिन संध्या के समय बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। एक वृक्ष की छाया में एक कंगाल के रूप में खड़क सिंह पड़ा पड़ा कराह कर रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। साधु संत बाबा भारती को कंगाल पर यानी कि गरीब पर क्या हो गया, विश्वास, गरीब पर दया गई और उन्होंने घोड़े को बाबा भारती ने खड़क से जो कंगाल के रूप में आया हुआ था उसे घोड़े पर बैठाता है और वो बैठा कर वो घोड़े को अपने लगाम हाथ में घोड़े को चला रहा है। इस प्रकार कंगले के रूप में आया हुआ खड़क से बाबा भारती को धक्का देता है और घोड़ा लेकर दौड़ जाता है, भाग जाता है। लेकिन बाबा भारती खड़क सिंह को पहचान जाते हैं और उसे रोकने के लिए, ठहरने के लिए बात करते हैं। बाबा भारती की बूंद आवाज सुनकर खड़क सिंह रुक जाता है और पास में आकर कहता है कि ये घोड़ा आपको मैं न दूंगा। खड़क सिंह और बाबा भारती के बीच जो वार्तालाप होता है, खड़क सिंह कहता है कि ये घोड़ा आपको मैं न दूंगा और बाबा भारती कहता है कि ये घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे तेरे और मेरे बीच जो हुआ यह किसी को मत बताना। यानी कि बाबा भारती ने खड़क सिंह को यह कहा कि तूने मेरे पास से गरीब बनकर जो भीख मांगी थी यानी कि मदद मांगी थी, मैंने तेरे गरीब पर विश्वास करके तुझे घोड़े पर बिठाया और तूने धक्का से धोखे से मेरा घोड़ा ले जाने की बात की। ये जगत को यानी ये समाज को मत बताना, यानी कि लोग गरीबों पर से विश्वास करना छोड़ दे। इसलिए इस बात खड़क से उस बात पर खड़क से सोचने लगा। उसे ऐसा लगा कि यह संत नहीं, यह देवता नहीं, यह मानस नहीं, भगवान है। इसलिए वो रात को खड़क से अपने किए पर पछताता है और संत के आश्रम शाला में जाकर वह घोड़ा वापस करता है। और संत यानी कि बाबा भारती फिर से कहते हैं कि अब लोग गरीबों पर विश्वास करेंगे। ऐसी बात इस कहानी में है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जैसे माँ अपने बच्चे को देखकर जिस प्रकार आनंदित होती है, किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर आनंद में आता है, इसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आनंद आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती सुबह शाम भगवत भजन करते और भगवत भजन से जो समय बचता है वो समय बाबा भारती घोड़े को अर्पण घोड़े को दे देते। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। जो बाबा भारती के पास जो घोड़ा था वो सुंदर और बलवान, ताकतवर, बलवान यानी कि ताकतवर था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। इस घोड़े की बराबरी करने वाला घोड़ा इस पूरे इलाके में कोई न था। बाबा भारती
उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती का जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या? सुल्तान। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खरहरा यानी कि करकंदी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना, उसे अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर पसंद होते। उन्होंने रुपया, माल, अस्बाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती ने अपने पास जो माल, रुपया, अस्बाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया और अपने हाथ से वह घोड़े को खरहरा, स्नान कराते, दाना खिलाते और उसे देखकर पसंद होते थे। और बाबा भारती ने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा होने लगी। नगर शहर के जीवन से, शहरी जीवन से भी उसे नफरत होने लगी। अब घर के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। बाबा भारती ने गुरु त्याग करके घाव से थोड़े दूर एक छोटे से मंदिर में जाकर वह रहने लगे और भगवत भजन करने लगे। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा। बाबा भारती अपने आप, अगर अपने आप से कहते कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, और कई लोगों को भी ऐसा कहते कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था वे उसकी चाल पर लट्टू थे। बाबा भारती अपने आप जो सुल्तान की चाल थी, चाल यानी कि जो सुल्तान चल रहा था उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू यानी कि मुग्ध होना, यानी लट्टू होना मुहावरे का अर्थ दीजिए तो उनका अर्थ है लट्टू होना तो मुग्ध होना। जिस प्रकार उसका वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं कि लोग किलार के जादू पर लट्टू हो जाते थे, इसी प्रकार भारती भी अपने घोड़े की चाल पर मुग्ध थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर गटा को देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती इस प्रकार इतने लट्टू थे, इतने मुग्ध थे कि वर्षा ऋतु के मौसम में मोर गटा को देखकर नाच रहा, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसे देखकर मोर खुश हो जाता है और अपने घटा यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मोर नाचता है, इसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े की चाल पर लट्टू थे। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर, सॉरी सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। बाबा भारती संध्या के समय सुल्तान की पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। बाबा भारती सुबह शाम घोड़े की पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे और तब उन्हें चैन आता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जो लोग थे खड़क सिंह का नाम सुनकर भी कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति यानी कि यश, जो होते होते सुल्तान की जो कीर्ति थी यश उनके कानों तक पहुंची। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। उनका नाम सुनते ही लोग डरते थे, कांपते थे। होते होते एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन होते होते सुल्तान की जो कीर्ति थी खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। खड़क सिंह के पास सुल्तान की कीर्ति पहुंची, यानी कि यश पहुंचा कि बाबा भारती के पास ऐसा घोड़ा है, ऐसी कीर्ति खड़क सिंह के कानों तक पहुंचते है। खड़क सिंह का हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर यानी कि उतावला, व्याकुल हो उठा।
और एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। दोपहर के समय खड़क सिंह बाबा भारती के पास जा पहुंचा और उसके सामने बैठा और नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया। बाबा जी, बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने खड़क सिंह को पूछा कि क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़क सिंह ने बाबा भारती के सामने अपना सिर झुकाकर कहा कि आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती ने खड़क सिंह को सवाल किया कि इधर कैसे आ गए? तो सुल्तान सॉरी खड़क सिंह ने उत्तर दिया कि सुल्तान की चाह खींच लाई है। सुल्तान की चाह, चाह यानी कि मोहब्बत, सुल्तान का प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो पसंद हो जाओगे। बाबा भारती कहते हैं कि विचित्र जानवर है, आप सुल्तान को देखोगे तो पसंद हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा खड़क सिंह कहते हैं कि आपके घोड़े की मैंने भी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोलेगी। खड़क सिंह संत बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोलेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। लोग कहते हैं कि बाबा भारती का घोड़ा देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि अंकित हो जाना यानी कि आकृति, उनकी जो छवि आकृति इसके हृदय पर अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो सका हो, बहुत दिनों से अभिलाषा इच्छा थी मेरी कि बाबा भारती का घोड़ा देखूं, लेकिन वो इच्छा आज मेरी पूरी हुई है, आज उपस्थित हो गया हूँ, हाजिर हो आया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे, अश्वशाला में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया गमन से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने घोड़ा दिखाया गमन से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, सहस्त्र यानी हजारों। किसने? खड़क सिंह ने। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा न था। हजारों घोड़े देखे थे बाबा भारती ने सॉरी खड़क सिंह ने, लेकिन उनकी आंखों के सामने से ऐसा बाका घोड़ा न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है। खड़क सिंह कहता है कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ, साधु संतों को इस ऐसी चीजों से क्या लाभ, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, डाकू खड़क सिंह के पास होना चाहिए, ऐसा खड़क सिंह अपने आप कहता है। और ये घोड़े ये ऐसी बकवास चीजों से तो साधु संतों को क्या फर्क पड़ता है, इसे इसका कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, ऐसा खड़क सिंह कहता है। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा, आश्चर्य नमाज से खड़ा रहा, उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। थोड़ी देर के बाद इसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों से अधीरता से बोला, जैसे बालकों की अधीरता, बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी उसकी चाल न देखी तो क्या? जैसे बालक को अधीरता होती है ना, इस प्रकार खड़क सिंह की बालकों की अधीरता से बोला, बाबा जी इस घोड़े की चाल न देखी तो क्या, इसकी चाल मुझे बताइए। बाबा जी भी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय भी अधीर हो गया। अपने घोड़े की जो प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, अस्तबल में से घोड़े को खोलकर वो बाहर ले गए। घोड़ा वायुवेग से उड़ने लगा, घोड़ा वायुवेग से पवन वेग उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, सांप लौट जाना यानी कि ईर्ष्या होना। घोड़ा वायुवेग उड़ने लगा और घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझने लगता था। वह डाकू था और जिस वस्तु उसे पसंद आ जाए
उस वस्तु पर अपना अधिकार जमाने अधिकार समझने लगता था। यह तो डाकू था इसलिए उसे घोड़ा पसंद आ गया और वस्तु पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझने लगा। लगता है उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। डाकू के पास बाहुबल ताकतवर भी था और उसके पास कई आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, वह बाबा भारती को जाते जाते कहता है, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। उसे घोड़ा मस्तिष्क में बैठ गया और खड़क सी बाबा भारती को यह कहता है कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा जी तो संत थे, उसे डर, यह तो कुख्यात डाकू था। वो धमकी यानी कि चैलेंज दे गया कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। इसलिए अब बाबा भारती बेचैन होने लगे, उसे डर होने लगा। बाबा जी, बाबा भारती डर गए। वो तो संत थे, वो डाकू था, उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और खड़क से बाबा जी को कहा कि यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा, यह घोड़ा मुझे पसंद आया हुआ है। इसलिए बाबा जी डर गए, बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। बाबा भारती को रात को नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। अस्तबल यानी कि गुड़शाला यानी कि अश्वशाला, जो अश्वशाला अश्वशाला थी उसकी सवारी यानी कि घोड़े की। बाबा भारती डर गए, उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। घोड़े की रखवाली करते थे रात पर जाकर, क्योंकि खड़क से ने कहा था कि यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। इसलिए उसे चिंता होती थी कि अगर खड़क से रात को आएगा और मेरा घोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी चिंता में वो अस्तबल की रखवाली करते थे, घोड़े की रखवाली करते थे और उसे रात को नींद भी ना आती थी और वो डरे हुए थे। इसलिए प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था। प्रतिक्षण प्रतिक्षण उसे खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वो ना आया। उसे रात दिन चैन न मिलती थी। उसे प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर रहता था। कई महीने बीत गए लेकिन खड़क सिंह अस्तबल में घोड़ा लेने के लिए ना आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। और एक महीना हो गया लेकिन बाबा भारती के घोड़े के लिए घोड़ा लेने के लिए खड़क सिंह आया नहीं। इसलिए बाबा भारती असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती संध्या किसे कहते हैं तो न दिन हो न रात हो, आप उसे संध्या कहते हैं। दिन न हो और रात भी न हो और बीच का जो समय होता है संध्या समय। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, कभी घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को, और वह मन ही मन फूले न समाते थे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी। बाबा भारती की आंखों में एक अनोखी चमक थी, मुख चेहरे पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते हैं, कभी उनके रंग को भी देखते हैं, मन ही मन फूले न समाते थे। अपने मन ही मन वो फूले बहुत प्रसन्न हो थे। इसलिए वो घोड़े की चाल, उसका शरीर, अपने मुख पर अलग एक प्रसन्नता, आंखों में चमक और घोड़े पर बैठकर 2-3-8-10 मील का चक्कर न काट लेते, उसे बहुत ही आनंद आता था। इसलिए उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, कभी घोड़े के शरीर को देखते उसके कभी रंग, मन ही मन फूले न से प्रसन्न होते थे, बहुत ही खुश होते थे।
सहसा एक और से आवाज आई, अचानक, सहसा यानी अचानक एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले यानी कि गरीब मानस, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, बाबा ने घोड़े को रोक लिया। एक अचानक एक आवाज आई और आवाज में ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, इस गरीब की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, आवाज में दर्द था। बाबा ने अपना घोड़ा रोक दिया। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था और बोले, क्यों मैं तुम्हें क्या कष्ट है। आवाज में करुणा थी, बाबा जी ने अपना घोड़ा रोक दिया। एक अपाहिज, अपाहिज यानी कि अपंग विकलांग, वृक्ष की छाया में, पेड़ की छाया में पड़ा करा करा यानी करा करना कराना है, मुंह से दर्द भरी आवाज निकालना, चिल्लाए दर्द भरी आवाज में बोल रहा था। और बाबा जी कहते कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है। ऐसा बाबा जी जो अचानक सहसा एक आवाज आई, इस कंगले की आवाज में करुणा थी। बाबा जी ने अपना घोड़ा रोक दिया और उसके पास जाकर कहा कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है। अपाइस ने हाथ जोड़कर कहा, अपाइस दोनों हाथ मिलाकर विनती करता है और कहता है हाथ जोड़कर, बाबा मैं दुखिया रहा हूं, मैं दुखी हूं, मुझ पर दया करो, मुझ पर आप दया करो। राम वाला यहां से 3 मील है, मुझे वही जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। क्या मैं दुखिया रहा हूं, मैं चल नहीं सकता, यहां से मुझे राम वाला जाना है, 3 मील दूर है, मुझे वही जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान परमात्मा आपका भला करेगा। ऐसा कौन कहता है, एक अपाहिज। किसे कहता है, बाबा भारती को। और बाबा भारती को उस पर दया आ जाती है, वो अपना घोड़ा रुकता है और इस अपाहिज को कहां जाना था, तो रामवाला। और रामवाला कितने दूर था, तो 3 मील। और वो कहता है कि मुझे घोड़े पर चढ़ा लो और परमात्मा का भला करेगा। ऐसा अपाहिज बाबा भारती को कहता है, वहां तुम्हारा कौन है। बाबा भारती कहता है कि राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, लेकिन वहां आपका कौन है, आपको आप वहां क्यों जाना चाहते हो, आपका कौन है, तुम्हारा कौन है। दुर्गादत्त भाई का नाम तो सुना होगा, उसका सौतेला भाई, दुर्गादत्त भाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसका सौतेला भाई। सौतेला भाई यानी सौतेला भाई किस कहते हैं, राम और लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, ये सौतेले भाई थे, पिता एक माता अलग। इस प्रकार जिन दो भाई होते हैं लेकिन माता अलग अलग होती है, पिता एक होता है। इस प्रकार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये 4 भाई थे, लेकिन उनकी माताएं अलग थी, उनके पिता एक ही थे, दशरथ थे, लेकिन माताएं अलग होने के लिए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये सौतेले भाई। इसलिए दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना ही होगा, उसका सौतेला भाई। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। बाबा जी को अपाहिज पर दया गई और घोड़े पर से उतरकर उन्होंने अपाहिज को घोड़े की पीठ पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गए। अचानक एक झटका आया और बाबा भारती के हाथ में से लगाम छूट गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। बाबा भारती को नवाई लगने लगी कि यह क्या हुआ, जिस अपाहिज मुझे चलने यानी कि चलने की भीख मांग रहा था, वही अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठा है, पीठ पर तनकर बैठा है। और उन्हें अपाहिज
घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाया लिए जा रहा है। वह अपाहिज जो कराहे करा रहा था, दर्द भरी आवाज में कराहे करा रहा था, वही अपाहिज बाबा भारती के हाथ में से जो लगाम था वो लगाम छुड़वा कर घोड़े के पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए हुए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क ही था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। आह, ये तो कोई और अपाहिज नहीं है, ये तो कौन है? तो डाकू खड़क सिंह। उसे पता चला कि यह तो वेश पलट कर, वेशभूषा पलट कर घोड़ा लेने के लिए अपाहिज बनकर आया था। मैं उसे पहचान न सका और उसके विस्मय और निराशा से मिली चीख निकल गई। और वह कोई नहीं, वो कौन था? तो अपाहिज बनकर आया हुआ वह डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे, अचंभे में पड़ गए, चुप रहे कि ये क्या हुआ। इसके पश्चात कुछ नीचे कर पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। जोर से बाबा भारती ने बूम लगाए और आवाज लगाई और कहा कि जरा ठहर जाओ। खड़क से ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़क से ने बाबा भारती की आवाज सुनी और आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा कि बाबा जी यह घोड़ा आपको मैं अब न दूंगा, यह घोड़ा मेरा हो गया। ऐसा खड़क सिंह किसे कहता है? बाबा भारती को कहता है। मगर एक बात सुनते जाओ, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती खड़क सिंह को कहते हैं, अगर घोड़ा देना है तो दे, वरना मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, खड़क सिंह रुक जाता है। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसे देखा, ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। खड़क सिंह के पास जाकर बाबा भारती इस प्रकार देखते हैं जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, इसी प्रकार बाबा भारती खड़क सिंह के सामने ऐसे देखते हैं, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। बाबा भारती कहते हैं कि ये घोड़ा आपका हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं तुझे खड़क सिंह, मैं तुमसे मुझे घोड़ा वापस दो ऐसा नहीं कहूंगा। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, मैं तुझे प्रार्थना करता हूं इसे अस्वीकार न करना। तुझे ये मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा, यानी कि मैं निराश हो जाऊंगा। मैं तुझसे एक प्रार्थना करता हूं और ये मेरी ये प्रार्थना अस्वीकार मत करना, वरना जो अस्वीकार करेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा बाबा भारती खड़क सिंह को कहते हैं। और मैं आपसे यह विनती ऐसे कहता हूं कि यह घोड़ा मुझे वापस नहीं लेना, यह घोड़ा तुम्हारा हो गया, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, एक विनती करता हूं, यह विनती तुम स्वीकार लो, अगर नहीं स्वीकारे तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी याज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़क सिंह कहता है, आप आदेश कीजिए, मैं आपका दास हूं, सिर्फ तुम्हें घोड़ा नहीं दूंगा, आप जो कहोगे वह मैं करने पर तैयार हूं, लेकिन सिर्फ आपको यह घोड़ा न दूंगा। ऐसा खड़क सिंह बाबा भारती को कहता है। अब घोड़े का नाम न लो, बाबा भारती कहते हैं कि अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। तुम मेरा घोड़ा ले जाओ, ऐसा तुम मुझे घोड़ा वापस दो, ऐसा इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। यह घटना कैसी घटना? तो तेरे, तुम्हारे और मेरे बीच जो घटना जो बनी, यह घटना किसी के सामने तुम प्रकट मत करना कि मैं ये घोड़ा किस प्रकार मैंने घोड़ा हासिल किया। तुम्हें एक वृक्ष की छाया में अपाहिज बनकर कराए करा था, और भारती को मुझ पर दया आ गई
और रामाला जाने के लिए मैंने उसकी विनती की और उन्होंने मुझे घोड़े पर बिठा दिया और बिठाकर वो घोड़े की लगाम पकड़कर चल रहे थे। मैंने बाबा भारती को लात यानी झटका दिया और घोड़ा उसके पास से ले लिया और गरीब बनकर गया था। ये ऐसी घटना, यह घटना किसी के सामने पेश मत करना, ऐसा कौन कहते हैं? बाबा भारती खड़क सिंह को कहते हैं। यह घटना किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आचार्य से खुला रह गया। आचार्य उसे नवाई लगने लगी। उसका विचार था कि उसे घोड़ा लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा जी ने स्वयं उसे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा जी को ऐसा लगता था कि यह शब्द है, अगर मैं घोड़ा लेकर दौड़ूंगा तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे घोड़ा लेकर दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। लेकिन स्वयं बाबा भारती मुझे कहते हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, किसी के सामने यह घटना रजू यानी प्रकट न करना, ऐसा स्वयं खुद बाबा भारती मुझसे कहते हैं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? बाबा भारती सॉरी खड़क से यह कहता है कि बाबा भारती क्या प्रयोजन सिद्ध हासिल करना चाहते हैं? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। खड़क सिंह ने अपना दिमाग लगाया लेकिन यह तो डाकू था, उसकी सोच आगे न पहुंच सकी। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? बाबा जी इस बात से आपको क्या डर है? ऐसे बाबा भारती खड़क सिंह बाबा भारती को इस प्रकार पूछते हैं। सुनकर बाबा जी ने उत्तर दिया। बाबा भारती खड़क सिंह को उत्तर देते हैं, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, क्योंकि तुम मेरे पास गरीब बनकर आए थे, अपाहिज बनकर आए थे, मुझ पर तूने दया की, भीख मांगी, मैंने आप पर दया की, मैंने गरीब पर विश्वास किया और गरीब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मैंने आप पर विश्वास किया, इसलिए आपने यह घोड़ा मुझसे छीन लिया। लोगों को अगर इस घटना का पता चले तो गरीबों पर से विश्वास करना छोड़ देंगे, इसलिए लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कुछ संबंध ही ना रहा। ऐसा कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस प्रकार का मुंह मोड़ लिया जैसे उनका और सुल्तान का कोई संबंध न हो, इस प्रकार वो उसका मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे उच्च विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे उसके बिना मैं न रह सकूंगा, इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उसके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। बाबा भारती इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं, परंतु बाबा भारती के जो शब्द थे खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। वो सुनता था कैसे उच्च विचार, खड़क सिंह ये संत के कितने ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, मन में कितना पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, ये घोड़े के बगैर बिल्कुल न रह सकते थे, उसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल उठता था। घोड़े को देखकर बाबा भारती का जो मुख था वो फूल की तरह खिल उठता था। वो कहते थे कि इसके बिना मैं न रह सकूंगा, उसकी रखवाली में कई रात वो सोए नहीं है, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक न दिखाई देती थी।
उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता होता है। बहुत प्रेम करते थे घोड़े से, लेकिन घोड़े की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ उन्हें चिंता थी, ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, इसलिए इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, उन्होंने मुझे कैसा कहा। यह बाबा भारती मनुष्य नहीं लेकिन मनुष्य के रूप में देवता है, ऐसा खड़क सिंह अपने दिमाग में अपने मन में ऐसा सोचता है। वह मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, ऐसा खड़क सिंह अपने आप कहता है और उसे पश्चाताप होता है। और वह रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था, मंदिर के अंदर एकदम शब्द एकदम शांत वातावरण था, कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बात पर पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। वह लगाम पकड़कर अस्तबल तक पहुंचता है, अस्तबल की फाटक पर पहुंचता है, फाटक खुला पड़ा था। अस्तबल की जो फाटक थी वह खुली पड़ी हुई थी। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। एक समय ऐसा था कि बाबा भारती उस फाटक यानी कि अस्तबल के फाटक पर रात में पहरा देते थे। आज वह खुली हुई है, खुली पड़ी हुई है, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके सार पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इसी समय उनकी पर उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। वह अंदर जाता है, जिस जगह पर सुल्तान बंधा रहता था वहां उसे सुल्तान को बांध देता है और सावधानी से फाटक बंद कर देता है और वह बाहर निकलता है। इस बार पश्चाताप के रूप में खड़क सिंह के आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, एक पहर यानी 3 घंटे का समय, दिन रात के यानी कि 24 घंटे का समय होता है रात दिन का, और दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर, इस प्रकार 8 पहर होते हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, इस दिन के और रात के, इस प्रकार 8 पहर होते हैं रात दिन के, और 24 घंटे के कुल 8 पहर होते हैं। एक पहर का समय 3 घंटा होता है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके बाह अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपने गुण प्रतीत हुए। साथ ही घोर निराशा ने पाओ को मन ही मन भर बना लिया और वही रुक गए। तीसरा पहर पूर्ण होता है और चौथे पहर की शुरुआत में बाबा भारती सुबह में अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया और उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपना में चल रहे हैं, इसी प्रकार वो अस्तबल उसके पास अस्तबल की ओर जाने लगे, परंतु फाटक पर जाकर उसे ख्याल आया, अपनी भूल प्रतीत हुई कि मैं वहां तो बुरा नहीं है। वो अपने पाप सुबह रोजिंदी प्रक्रिया की बाबा भारती सुबह स्नान करके घोड़े के पास चलकर जाते हैं। इस प्रकार वो स्वप्न दिख रहे हैं, इस प्रकार बाबा भारती अस्तबल की फाटक के पास पहुंचते, उसे अपनी भूल प्रतीत होती, अस्तबल में तो अब घोड़ा नहीं है, पर घोर निराशा के साथ वो अपने पाव मन ही मन भर कर बना लिया, वही वह रुक गए और रुक जाते हैं।
घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से ही नीनाने लगा। घोड़ा था जो सुल्तान अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और वो ही नीनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इसी प्रकार रोने लगे। बाबा भारती की पाव की चाप देखकर जो सुल्तान अंदर था वो हिनहिनाने लगा और बाबा भारती को आश्चर्य लगा और प्रसन्नता। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे, अस्तबल में घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इसी प्रकार रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, घोड़े से गले लिपट कर रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, जैसे कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहे। इसी प्रकार सुल्तान और बाबा भारती मिले और दोनों रोने लगे और बाबा भारती घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते और उसके मुंह पर थिपकिया देते। फिर बाबा के आंखों में प्रसन्नता थी और वो फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। और घोड़ा यानी कि खड़क से अस्तबल में आकर घोड़ा वापस कर देता है और बाबा भारती संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, गरीबों की सहायता करने में कोई पीछे मुंह अपना नहीं मोड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी यहाँ पूर्ण होती है। जय हिंद, जय भारत।